कोरोना के संकट की घड़ी में प्रशासन जहां आम जन के लिए नित नई योजनाएं बनाकर शहरवासियों को विभिन्न तरह से सहयोग कर रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी सेवा कार्य में पीछे नहीं है। मूसाखेड़ी में भाजपा नेता कमल यादव व उनकी टीम सेवा कार्य में लगी है। इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में भाजपा नेता और पार्षद प्रतिनिधि कमल यादव द्वारा सेवा कार्यों का सिलसिला वार्ड नंबर 51 में लगातार जारी है। मूसाखेड़ी क्षेत्र के इस वार्ड में वंदना कमल यादव पार्षद है, जहां पार्षद और उनके प्रतिनिधि द्वारा निष्पक्ष भाव से क्षेत्र में उनका पार्षद आपके द्वार के तहत कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां वार्ड 51 में बाबूलाल नगर, चौधरी पार्क, शिवदर्शन नगर, आलोक नगर सहित कई क्षेत्र व कॉलोनियों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क और लाउड स्पीकर लेकर हर दिन क्षेत्र की गलियों में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए घर घर काढ़ा वितरण कर रहे हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र भी एक तरह से ग्रामीण वासी भी बसते हैं, तो किस तरह से देखते हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से, क्या लगता है कितने अभी यहाँ पर निकले हैं केस? देखिए, यहाँ पर जैसे कि विराट नगर के अंदर आप देखें तो एक गली में 22 पेशेंट थे, तो हम लोगों ने उनके बीच में भी गए, उन लोगों से बातचीत की, उनको भी काढ़ा वितरण किया। बहुत सारे परिवारों में हमने जो है सरकार की तरफ से एक किट आ रही है, जो उसमें गोलियां हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी दवाएं हैं, तो वो लोगों को हमने पहुंचाने का प्रयास किया और इसी माध्यम से हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचाया और जोन के जो लोग हैं उनको भी उसमें लगाया और वो जो घर घर जाकर जो है उनको दवा गोली की व्यवस्था कराई है। ऐसा कुछ परिवार हमने देखे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, निराश्रित हैं, ऐसे परिवार भी चिन्हित कर लिए हैं, अभी जो राशन वितरण कर रहे हैं और ऐसे परिवार जैसे छूट रहे हैं कहीं कहीं, तो उनको जो है हम निजी अपने पास से जो है उसकी व्यवस्था करने वाले हैं। आपका परिचय? कमल यादव, वार्ड क्रमांक 51। चल रही है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह से आप लोगों की सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या स्थिति आपके वार्ड की? देखिए, लगातार जिस दिन से यहाँ पर जो है, जैसे हमको पता चला कोरोना का और लॉकडाउन हुआ, तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हम लोग घर नहीं बैठे, वैसे भी घर नहीं बैठते, हम लोग काम करते हैं फील्ड में जाकर। प्रत्येक घरों में पहले तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का कार्य किया, 5 सेंटर बनाए गए, चौधरी पार्क में, आलोक नगर गणेश स्कूल में, विंध्याचल स्कूल में, नंदेश्वर स्कूल में, जोन पर भी एक कैंप लगाया गया। इस तरह से 5 कैंप लगा के 45 से ऊपर वाले जिनको सारे 100% उनको वैक्सीन लगवाई। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है एक काढ़ा का अभियान निकाला, जो इंदौर में एकमात्र वार्ड क्रमांक 51 के अंदर जो है प्रत्येक घर में काढ़ा पहुँचा है इस लॉकडाउन के समय में। तो हमने प्रत्येक घरों में जा जाकर काढ़ा पहुँचाया, घोंघे से हमने जो है प्रत्येक घरों में जा जाकर ये सूचना पहुँचाई कि आपको घरों में रह के सुरक्षित रहना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है और कोरोना का पालन करना है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप लोगों को सिर्फ संयम रखते हुए, आप लोगों का अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, आप लोगों के अलोम विलोम, बस्ती का कपालभाति, इस तरह से आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना है। तो इस तरह से हम लोगों को संदेश दिया, मेरे वार्ड जो है कोरोना मुक्त हो, इसलिए लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं। इसी के साथ में हम जो है प्रत्येक घरों में जा जाकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना आई है जो सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गई है, विधायकों के माध्यम से, उसमें माननीय महेंद्र आडिया जी ने भी विषय रखा ऊपर। इसी तरह से उन्होंने एक आपदा जो राशन की जो एक व्यवस्था की है, जो सभी को इस बार राशन मिलने वाला है। मेरे यहाँ पर करीब 60-70% लोगों को पहले से ही मिल रहा था, तो उनको हर महीने मिलता ही है। उसके अलावा भी अभी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जो है राशन की व्यवस्था की जा रही है, तो उनके सभी के आधार कार्ड, समग्र आईडी और कामकाजी आईडी, जो 24 श्रेणियाँ जो आती हैं लाभ की, वो सारी कागज जो है जो भी इनके पास मिल रहा है वो कागज सबमिट करके हम उनको आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।